जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका पीस मंत्रा की एक नई वीडियो में। आज हम आपको लेके चल रहे हैं वृंदावन के रंगजी मंदिर में। इस मंदिर को सोने के खंबे वाले मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, तो चलिए आपको दर्शन कराते हैं इस मंदिर के। अभी हम आ गए हैं श्री रंगनाथ मंदिर पे, और दक्षिण भारत के 84 पुजारी मंदिर को पूजा करते हैं। कांच का विमान जो भगवान होली खेलने जाते हैं, इसका नाम है गरुड़ स्तंभ। गरुड़ स्तंभ इसको बोलते हैं सोने का खंबा। इनका नाम है रंगमन्नार भगवान। शुक्रवार के दिन सवामन गाय के बीच इनका स्नान होता है। अभी हम आ गए हैं श्री रंगनाथ मंदिर पे, तो चलिए अंदर लेके चलते हैं और दर्शन कराते हैं आपको। और ये पूरी रंगनाथ जी की मार्केट है। अभी हम मंदिर के अंदर आ चुके हैं और कृष्ण लीला के दर्शन करने जा रहे हैं। यहाँ पे टिकट लगती है, तो 3 जगह की टिकट ले ली हमने 20 रुपीस में। तो चलिए आपको अंदर लेके चलते हैं, दर्शन कराते हैं। तो यहाँ झांकियाँ बनाई गई हैं, और ये है समुद्र मंथन की झांकी। ये देखिए, यहाँ पे समुद्र मंथन हो रहा है। ये वराह अवतार हैं भगवान विष्णु के, और ये रास लीला के दर्शन है यहाँ पे। और ये नरसिंह अवतार है यहाँ पे भगवान विष्णु के। ये वामन अवतार हैं। परशुराम अवतार, राम अवतार, और ये जो होंगे कल के अवतार, कलयुग में होंगे जो भगवान के अवतार। और ये जन्म स्थल के दर्शन कराए गए हैं, जन्मभूमि के, मथुरा के कंस के कारागार है ये। और ये गोकुल आगमन के दर्शन है यहाँ पे। द्रौपदी का चीरहरण का है ये, और ये भगवान जी की सवारी निकल रही है यहाँ पे। और ये गोवर्धन लीला है भगवान ने जो की थी, अपने उंगलियों पे गोवर्धन को उठा लिया था। पे कृष्ण जी के अवतार के बधाइयां हो रही है, सभी लोग खुशियां मना रहे। और ये रावण वध है प्रभु राम के। ये महारास है। और ये श्री राम जी का राम दरबार लगा हुआ है यहाँ पे। और ये मीराबाई और प्रभु गिरिधर नागर। ये मंदिर टाइम टेबल का बताइए। ये दरवाजे का नाम है मीनाक्षी दरवाजा, वो जयपुर का लक्ष्मी दरवाजा है। अच्छा। गांव को बोलते हैं वृंदावन, तुलसीवन, दोनों साइड। लक्ष्मी चंद जैन मथुरा वालों ने सन 1840 में ये मंदिर बनाया था। ठीक है। मंदिर की 5 बड़ी बड़ी परिक्रमा है, 5 परिक्रमा, 7 दरवाजे। हाँ। और दक्षिण भारत के 84 पुजारी मंदिर को पूजा करते हैं। अभी भी करते हैं ना? क्यों नहीं करेंगे अभी? मंदिर जब तक रहे, जब तक करते रहेंगे, क्योंकि ट्रस्ट उनको देता है। हाँ। के रसूल लगे वो सोने के एक कल सब वो है वही वो है। हाँ। वो सी जगह ऐसी ना, बंद करना पड़ेगा आपको। कोई नहीं, कर देंगे जरूर, हर जगह नहीं करेंगे। आइए, राधे राधे बोल के। राधे राधे। लक्ष्मीचंद सेठ और राधा के सेठ मंदिर के मालिक हैं। अच्छा। जिन्होंने एक ने बनाया मथुरा में द्वारकाधीश का मंदिर। हाँ। और उन्होंने बनाया रंगनाथ मंदिर। मंदिर बनाकर गुरु जी को दान किया। गुरु का नाम था रंगाचारी महाराज, साउथ के रहने वाले। ये भगवान बैकुंठनाथ की यात्रा निकलेगी। हाँ। और यहाँ आकर के 5 परिक्रमा करेंगे। खर्चा हुआ
उस जमाने में, जमाने में चांदी के सिक्के चलते थे 200 साल पहले 200 साल पहले 40 लाख रुपए 45 लाख रुपए 45 लाख रुपए ये दरवाजा खुला था सुबह 4 बजे। अच्छा, और आज से खुलेगा शाम को 6 बजे, 9 दिन तक बराबर भगवान की झांकी निकलती रहेगी। अच्छा, शाम को 6 बजे वहाँ से निकलेंगे, परिक्रमा करेंगे, फिर वहाँ के वहाँ जो परिक्रमा करेंगे। अच्छा, इसके अंदर सब वाहन रखे हुए हैं, तो वह यात्रा जो निकलती है मार्च महीने में, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। क्या तो देख लिया होगा, पहले आए टिकट ले रखा है इसका, आइए निकाल लेते हैं। देख क्या धातु का शेष ना, ये देखिए अष्ट धातु का सिंह। हाँ, ये सोने का सूर्य नारायण सूर्य प्रभा, ये चांदी का हंस, ये इंद्र का हाथी, सोने का इंद्र का हाथी ऐरावत, कांच का विमान जो भगवान होली खेलने जाते हैं चैत्र नवरात्रि में, ये पंचधातु की भगवान की पूरन कोठी, और यात्रा जब निकलती है ना इस तरह निकलती है, यात्रा में इस तरह निकलते भगवान बैठे सोने के हनुमान जी महाराज, आ गया हो दर्शन का आनंद, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की, ऊपर ला ले ऐसी यात्रा में निकल रहे रघुनाथ जी निकल रहे हैं। ये सब जो और ये है चांदी का तोता सुखदेव जी महाराज, वेद व्यास जी का पुत्र सुखदेव जी महाराज, जय श्री नारायण महाराज, देखो इधर बहन हमारे साथ में जो ये लवकुश का घोड़ा है, लवकुश भगवान की सवारी घोड़े में निकलती, और यह है डायनासोर जिसको बोलते हैं सिंह सारा, इनकी यात्रा निकल रही है, 10 दिन का टाइम लेके आओ मार्च महीने में, तब यात्रा का आनंद लेंगे। सोने के हनुमान जी और गरुड़ जी महाराज है सोने के, और सोने का सिंह है, दुर्गा माता की नौमी आती है, माता की सवारी सिंह पर निकलती है, और भगवान विष्णु गरुड़ जी पर निकलते हैं। गरुड़ जी आ जाओ, चांदी का शेष नाग, चांदी के इसके अलावा ये तीन आइटम जो हैं पालकी हाथी और सिंह साड़ी, हाँ। ये लक्ष्मी चंद सेठ के नौकर के द्वारा दिए। अच्छा, ये दरवाजा जो है इसका नाम है गोपुरम दरवाजा, गोपुरम, हाँ, दक्षिण में जाओगे तो इनके नाम अलग अलग है। बाहर निकलने के लिए बोलिए रंगनाथ भगवान की जय। पहले वहाँ जाए, आ जाओ क्या। अभी हम शीश महल में आ गए हैं दर्शन करने के लिए, रंगनाथ जी मंदिर में ही है ये अंदर, तो इसका टिकट लगता है। इसका नाम है गरुड़ स्तंभ, गरुड़ स्तंभ इसको बोलते हैं, सोने का खंभा। हाँ, और ये देखिए ऊपर में 19 कलश हैं सोने के, सोने के ऐसा भी
और ये छोटा वाला पंचधातु का इंद्रासन है। अच्छा, जो इंद्र की पूजा होती है। अच्छा, और सावन के महीने में सामने वाले बरामदे में रास लीलाएं होती है। अच्छा, खम्भे लगे हुए हैं। और यहाँ पर जो है 11 मन चांदी का झूला पड़ता है, हरियाली तीजों से रक्षा बंधन। हरियाली तीज पे सावन में आओ जब मिलेगा वो अभी सेंटर में जो मूर्ति है काली वाली, इनका नाम है रंगमन्नार भगवान। उनके राइट हैंड में है गोदम्बा लक्ष्मी जी और लेफ्ट में जो है गरुड़ जी है। चांदी का सिंहासन है, सोने की मूर्ति है, हीरे का तिलक है, सोने के मुकुट सुंदर है। दरवाजे में 84 घंटियां लगी हैं। बोलिए रंगनाथ भगवान की जय। साउथ के ब्राह्मण है, ताली बजाओ प्रेम से। जय से उनका घर परिवार बस बस है। दोनों का कला और इनका नाम है त्रिपति बालाजी। त्रिपति बालाजी वेंकटेश्वर श्रीनिवास गोविंदा। शुक्रवार के दिन सवामन गाय के दूध से उनका स्नान होता है। हर शुक्रवार को सुबह हो गया, आज का शुक्रवार। और इसके अंदर की परिक्रमा को धोती वाले कर सकते हैं। अच्छा, उनको अलाउ नहीं है पैंट पजामा नेकर सलवार चमड़े वस्तु विदेशी पहन के आ जाते हैं और करे यात्रा करने आए। सिर्फ धोती धोती वाले और पूजा करने वाले। अच्छा, ये धोती पहन ली, पूजा करनी पड़ेगी पहले पूरी। हाँ, उसकी रसी गढ़पानी पहन लो अंदर जाते हैं और जो घूमने हैं उनके लिए तो कोई मतलब नहीं है, वो तो बच्चों को घुमाने का। हाँ, चक्कर ड्रैगन गेट है ना। हाँ, थोड़ा सही लोग प्रणाम प्रणाम। कहाँ जाए बाबू जी आप? दिल्ली से। बोलिए नरसिंह देव भगवान की जय। बोलो भक्ति प्रहलाद की जय। महाराज की जय। जो है गजेंद्र कुंड है, ब्रह्म कुंड के चारों साइड में बात है। अच्छा, वहाँ तो बन गया था। हाँ, मोबाइल वगैरह आते चला के भेजा के चलते मोबाइल। ये कुंड है जिसको बोलते हैं गजेंद्र मोक्ष कुंड। गजेंद्र मोक्ष कुंड का पैर पकड़ा था ना मगरमच्छ। अच्छा, इसी में? इसी में नहीं, यही था। अच्छा, हाँ, 84 कुंड पूरे ब्रजमंडल में हुआ नहीं था, यहाँ गजराज पानी पीने आया था। अच्छा, वहाँ पर के चौथे चरण में जब किसी का जन्म हुआ। अच्छा, तो मगर ने उसका पैर पकड़ लिया। अच्छा, उसने भगवान को याद किया था, भगवान आगे सुदर्शन चक्र से मगर का वध किया, गजेंद्र का मोक्ष किया। यह रक्षाबंधन कभी आओगे ना पार्टी का बहुत बड़ा मेला होता है, लक्ष्मी मेला होता है। अच्छा, यहाँ वो दोनों को दिखाएगा, भगवान रथ में बैठ के आते काय में, उन्हें गरुड़ पर बैठ के आते जो देख के आए। अच्छा, यहाँ पे आता हुआ जब गज पुकारता है भगवान को तो सुदर्शन चक्र से मगर का वध करते हैं, गज का उद्धार करते हैं। 2-2.5 घंटे का प्रोग्राम होता है, 2 से 8 आदमी का परिवार का पानी रहता ही नहीं। एक परिवार में 5 आदमी है, उनके परिवार में कितने राम लक्ष्मण जान की जय बोलो हनुमान की और रक्षा करता चमत्कार गुरु प्रसाद जो भावना से आते हैं भगवान से प्रार्थना करके आते हैं, उनकी प्रार्थना सुनता जो घूमने के उद्देश्य आए हैं, हाथ जोड़ा चल दिए।